9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में विविध अनुष्ठानों के साथ मद्य निषेध संकल्प सप्ताह का समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिका निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर समाज सेवी श्री दीपक राज जैन ने की। सर्वोदय अहिंसा के तत्वावधान में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में विविध अनुष्ठानों के साथ मद्य निषेध संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिका निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर समाज सेवी श्री दीपक राज जैन की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर को समापन हुआ। जिसमें दिव्यांग बच्चों ने स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया एवं नशा मुक्ति हो भारत अपना पर सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विविध समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया एवं श्री दीपक राज जैन ने सभी को नशा मुक्त हो भारत अपना सहित स्वच्छता की शपथ दिलाई। छिंदवाड़ा को स्वच्छ स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान दूंगा। ना तो मैं गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने दिव्यांगों के हाथों से दीपावली के लिए बनाए गए सुंदर दियों का निरीक्षण किया एवं सभी दिव्यांगों को अपने हाथों से फल मिष्ठान एवं स्वल्पाहार का वितरण कर सुंदर आयोजन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन आधार फाउंडेशन के संस्थापक महेश किंथ एवं आभार प्रदर्शन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री के एन कटारे क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेष अतिथि के रूप में इनर व्हील क्लब अध्यक्ष श्रीमती डिम्पल पाटनी, सचिव माही खंडेलवाल सहित अन्य समाज सेवी सम्मिलित हुए। जैन फोकस के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।